नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश प्राइम, मैं हूं आपके साथ उमंग। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आते ही स्लॉटर हाउसों को बंद किए जाने के बाद से ही आवारा पशु गांव से लेकर शहर तक लोगों के लिए मुसीबत बन हुए हैं। किसान प्रदेश भर में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में आवारा पशु राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। गाय की सुरक्षा से जुड़े मामलों ने बीते दिनों उत्तर प्रदेश में काफी सुर्खियां बटोरी हैं, फिर चाहे वो गौरक्षा हो या फिर सड़क पर घूमते आवारा पशु। अब उत्तर प्रदेश सरकार हर जिले में गौशाला बनाने की ओर कदम बढ़ा रही है। इसके लिए सरकार ने 10 जनवरी तक आवारा पशुओं को संरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। आइए देखते हैं हम एक इस पर खास रिपोर्ट। गाँव से लेकर शहरों में आवारा पशुओं का कब्जा। आवारा पशुओं का नहीं है कोई सरकारी रिकॉर्ड। शहरों की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं आवारा पशु। गांव में फसलों को बर्बाद करने में तुले आवारा पशु। आवारा पशु राजनीतिक गलियारों में बना चर्चा का विषय। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 जनवरी तक संरक्षित करने का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आते ही स्लॉटर हाउसों को बंद किए जाने के बाद से ही आवारा पशु गांव से लेकर शहर तक लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। हालात ये बने हुए हैं कि गांव में किसानों की फसल चौपट हो रही है तो शहर में लोग एक्सीडेंट का शिकार होकर मौत को गले लगा रहे हैं। ऐसे में आवारा पशु राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 जनवरी तक आवारा पशुओं को संरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि नेशनल फोरम में पूरे देश में आवारा पशुओं की गणना के लिए प्रोग्राम जारी किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे पीछे चल रहा है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने पत्र लिखकर जल्द गणना की संख्या भेजे जाने का निर्देश दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूपी में किसानों की फसल का नुकसान हो रहा है और सीएम ने 10 जनवरी तक आवारा पशुओं को संरक्षित करने का लक्ष्य दिया है, वहीं ग्रामीणों की माने तो आवारा पशुओं से फसलों को नुकसान हो रहा है। बहुत दिक्कत है, कल जो है वह कल एक एक्सीडेंट हुआ है, कवरों पर गए, नीचे लगी ट्राली वो पलट गए, लेबर बच गए, तीन चार वही मर गए, तो बड़ी दिक्कत थी। और जंगल में चलने गाड़ी घोड़ा पैदल गाड़ी तो गाड़ी पैदल चलना मुश्किल है, फिर वह वजह की जानवर की वजह से अभी परसों मरी एक औरत मरी बेचारी, ट्राली पलटी और छोटा हाथी है जो ऑटो रिक्शा चल रहे हैं वो लड़ा एक जानवर के चक्कर। वहीं आवारा पशुओं से हो रहे नुकसान से लेकर कांग्रेस की माने तो 19 महीने की सरकार ने गणना तक नहीं करा पाई है। ऐसे में 10 जनवरी तक लक्ष्य पूरा करना असंभव है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर जनपद के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। उत्तर प्रदेश में पुरानी कहावत कही जाती है कि आप क्या होते जब चिड़िया चुन गई खेत। 19 महीने के योगी सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके से किसानों की फसलों को आवारा पशुओं ने नष्ट किया है, ये सर्वविदित है, कोई कांग्रेस का आरोप नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, मगर कोई योजना नहीं है, कागजों पर योजना चल रही है और लाचार मुख्यमंत्री हैं। अगर ईमानदारी होती और नैतिकता होती, जो किसानों के आंखों में जो आंसू दिए हैं वो 2019 में प्रदेश की जनता जवाब देने वाली है। सवाल इस बात का है कि आखिर योजना क्यों नहीं सरकार के पास। सरकार की नीयत में खोट है और सरकार फरेब कर रही है, कागजों पर सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश की जनता, किसान, नौजवान, दलित, पिछड़े अपने आप को ठगा समझ। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता मनीष मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निराश्रित गौवंश संरक्षित हो इसके लिए संकल्पित तो है ही, साथ साथ किसानों के फसलों की नुकसान के लिए भी चिंतित है। इसलिए हम एक गौवंश संरक्षण के लिए एक ठोस नीति लेकर आए हैं और 10 जनवरी तक सभी निराश्रित गौवंश गौ संरक्षण केंद्रों पर पहुंच जाए, इसके लिए जिलाधिकारी निर्देशित किए जा चुके हैं। गौ संरक्षण केंद्र के संचालन के लिए मद की भी व्यवस्था कर ली गई है और सभी जिला केंद्रों पर जमीन चिन्हित कर ली गई है। नगर निगमों को 16 करोड़ और जिला केंद्रों 10 करोड़ और जिला
केंद्रों को 1.2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गौवंश संरक्षित हों, किसानों का नुकसान न हो, ट्रैफिक जाम और एक्सीडेंट की भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो भी न हो, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं को लेकर भले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने गणना कराने का निर्देश दिया हो, लेकिन आज भी इन आवारा पशुओं को सही तरीके से रखरखाव कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ से संजय सिंह चौहान की रिपोर्ट। आवारा पशुओं की समस्या बेहद गंभीर है, क्योंकि ये जरूर है कि जो योगी आदित्यनाथ का जो संकल्प है गौवंश को संरक्षित करने का, वो बिल्कुल अपनी जगह वो सही हो सकते हैं, लेकिन उस गौवंश को एक सही जगह पर रखना भी उन्हीं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे पहले मेहमान जुड़ चुके हैं, अनूप पांडे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्वांचल पीपुल्स पार्टी का। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जय हिंद। अनूप जी, जिस प्रकार से ये जो गौवंश है, जो आवारा पशु है, उनके वजह से जो समस्या जो आ रही है, इस सबके पीछे मूल जड़ आप क्या देखते हैं? देखिए, सवाल यह है कि ये जो सरकारें जी ये बातें तो बहुत करती जी, करीब 2 महीना पहले से ये विभाग बना है। सबसे पहले तो ये पशुओं को, गाय को आवारा कहना ठीक नहीं है, इस शब्द अच्छा नहीं है जी। अगर सरकार भी शब्द का इस्तेमाल कर रही है तो ये गलत है जी, क्योंकि गाय को आवारा कहना, आवारा पशु कहना, ये शोभा नहीं देता जी। गाय पूजा हमारा देश का एक सनातन धर्म का एक प्रथम कर्तव्य है। बिल्कुल, गौ, गीता, गायत्री, गंगा, ब्राह्मण, ये पूजनीय लोग हैं, और इन लोगों को आवारा कहना ठीक नहीं है, पहली बात जी। दूसरी बात, ये जो सरकारें हैं बहुत बात करती हैं, गाय की रक्षा होनी चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, संवर्धन होना चाहिए, पेड़ पहाड़ और पशुओं की अगर रक्षा नहीं होगी तो हमारी सनातन संस्कृति का विनाश हो जाएगा। सरकारें तो बहुत बात करती हैं, बच्चों से बड़ी बड़ी ऊंची आवाज में धर्म की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो किया जाता है, लेकिन धरातल पर देखने में ये आता है कि सिर्फ ये मंचों की शोभा और इनकी केवल भाषण और संबोधन में अच्छा लगता है। तो अगर इसको धरती पर उतारना है तो ये लोग जो हल्ला मचाते हैं, इसके बजाय अच्छे ढंग से व्यवहारिक रूप में इसको लागू करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि रोज जो ये घटनाएं देश के अंदर आ रही है, लिंचिंग शब्द है जी, कोई गाय काट दिया, कोई मार दिया और उसमें मानव की हत्या हो जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये 3-4 जो घटनाएं हुई, अभी बिहार में हाल ही में ये घटना है, कुछ देर पहले एक व्यक्ति को मार दिया गया, तो इसकी तीव्र भर्त्सना और निंदा होनी चाहिए जी। जी अनूप जी, अनूप जी बिल्कुल, हमें भी यही लगता है कि योगी सरकार है या जो गौवंश को जो रक्षा करने का अपने आप में दंभ भरते हैं ऐसे वो लोग, उनको सिर्फ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में ही मजा आता है। अगर आप वाकई में गौ रक्षक हैं और आप गौवंश को आप बचाना चाहते हैं तो आप उसको अपने घर में लाके सबसे पहले आप एक उदाहरण क्यों नहीं पेश करते उसको, गौवंश को अगर आपने बचाया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसको बचाने के बाद आपने उसको सड़क पर छोड़ दिया, ये कहां का न्याय हुआ? बिल्कुल आपने सही कहा जी। भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों करोड़ रुपए का फंड है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है करोड़ों करोड़ रुपया इनके घरों में भरा है, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो करोड़ों करोड़ रुपया लोग भरे हैं उससे गौशालाएं बनवाई जाए, गौओं की रक्षा किया जाए, पेड़ लगाया जाए, पहाड़ों को कटने से रोका जाए, चारों तरफ पहाड़ कट रहा है देश। आज हमारी पीढ़ी 20 साल 25 साल बाद कैसे जीवित रहेगी, इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए, न कि कौन क्या कर दिया, नाम बदल दो, सड़क बदल दो, ये कर दो। केवल हवा करने से समाज में दुराव पैदा हो सकता है, कोई व्यक्ति जीत और हार सकता है, देश नहीं बन सकता। अगर वास्तव में देश को बनाना है, वास्तव में राष्ट्रीयता को जीवित रखना है, सनातन धर्म और संस्कृति को पुनर्जीवित करना है, तो हमें धरती पर उतर करके एक सत्य और संत के बीच का एक रास्ता निकाल करके आचरण करना पड़ेगा।
जी अनूप जी, आपके हिसाब से क्या वो जरूरी कदम सरकारें उठा सकती है, भले ही वो भाजपा की सरकार हो या किसी और दल की सरकार हो, ऐसे क्या जरूरी कदम वो उठा सकते हैं जिस वजह से गौ वंश भी बचा रहे और उनको इस तरह की संज्ञाएं ना दी जाए और उनकी वजह से किसी और जीव का नुकसान ना हो, ऐसे क्या जरूरी कदम उठा सकती है सरकारें? देखिए, मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा जी, इन्होंने एक बनाया मंत्रालय, एक बोर्ड बनाया कि भाई होना चाहिए, तो सिर्फ बोर्ड बना देने से जो उसमें अधिकारी हैं जी, वो तो केवल अपनी नौकरी करते हैं, खाना पूर्ति करते हैं और धरती पर नहीं उतर पाता है। और ये उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं जी। आज पशुओं का जिस तरह से क्षरण हो रहा है, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी जय जयकार करते हैं, सड़कों पर घूमती है तो कितना कष्ट होता है जी। आज गाय प्लास्टिक खा रही है, जो हमारे कूड़े कूड़े खाने हैं जो शहरों में, वहां देखता हूं मैं, आंख से आंसू गिरता है। तो सरकार का ये दायित्व होना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार रहे, चाहे उत्तर प्रदेश में जिसकी भी सरकार रहे, देश में किसी की भी सरकार रहे, पेड़ पहाड़ और पशु पर्यावरण परिवार नियोजन, इन पर काम करना पड़ेगा जी। अनूप जी, जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे फोन लाइन पे अभिषेक सिंह आशु प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से और सचिन रावत जो कांग्रेस प्रवक्ता है वो भी जुड़े हैं। आप दोनों ही मेहमानों का न्यूज इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले अभिषेक सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी पार्टी अभी नहीं बनी है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, पहले आप समाजवादी पार्टी में ही शामिल थे आप लोग, भाजपा से पहले आप लोगों ने भी उत्तर प्रदेश पर शासन किया है, तो ये गौवंश को लेके जो समस्याएं हैं, जिस प्रकार से पशु जो सड़क पर घूमते हैं उन्हें बचाया जाए, उनकी पूजा करी जाए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको संरक्षित कैसा किया जाए ताकि उनकी वजह से किसी और का नुकसान ना हो, इस बारे में अभी की सरकार जो कर रही है वो तो बिल्कुल साफ साफ है ना काफी है, आपके क्या विचार है इस बारे में? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चाहती है जी कि जीव चाहे जो भी हो, जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, हम जीव की हत्या के विरोधी हैं जी। अच्छी बात है, गोवंश के लिए भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का भैंस ने, पड़वे ने क्या बिगाड़ा है? और भी तमाम जीव हैं जी, उनके भी लगातार स्लाटर हो रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या बिगाड़ा है भारतीय जनता पार्टी का? अगर जीव की हत्या, गोवंश की हत्या, गोवंश का मांस हराम है, खराब है, नुकसानदायक है, तो अन्य भी चीजों के भी है, तो हम तो जीव हत्या के ही विरोधी हैं जी। हम लोग नहीं चाहते हैं कि जीव की हत्या हो। और ठीक बात है, देखिए, जीवों के कारण किसान तो परेशान है ही, आपको पता होगा कि कितनी दुर्घटनाएं भी हुई है, बिल्कुल, कितने लोग मर रहे हैं आज सड़कों पे, गंदगी भी हो रही है, बीमारियां भी हो रही है, ये सब चीजें भी हैं, तो इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि किसी की हत्या भी ना हो और किसी का नुकसान भी ना हो, दोनों चीजों पे विचार जी। सचिन रावत जी, आपके क्या विचार है इस बारे में, जो जिस प्रकार से योगी सरकार ने 19 महीने से वो उत्तर प्रदेश पर शासन कर रहे हैं और अभी तक उनके पास में कोई पुख्ता कोई वो प्लान नहीं है कि किस प्रकार से गौवंश को सड़कों पर ना रखकर बल्कि उनके लिए एक अलग से गौशालाएं बनाई जाए, अब जाके उन्होंने जब इतने एक्सीडेंट हुए, इतनी दुर्घटनाएं हुई है, किसान परेशान हो रहे हैं, अब जाकर उन्होंने 10 जनवरी की एक डेडलाइन घोषित करी है, क्या ये 10 दिन में या 7 दिन में पूरे होने वाले काम है? देखिए उमंग जी, जी हम लोगों को समझने की जरूरत है कि ये लोग चुनाव के समय गाय पे और कई तरह मंदिर मुद्दे पर ये लोग अपना घोषणा पत्र में उसको लेकर के आए थे। 20 महीने की इनकी जो सरकार रही जी, 20 महीने तक आपने गाय के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ गाय के नाम पर ओछी राजनीति की। अब उत्तर प्रदेश में जो श्री अजय सिंह बिष्ट जी की जो सरकार है वो गाय के नाम पे धन उगाही करने जा रही है। पहले ये लोग क्या करते हैं, गाय के नाम पे वोट लेते हैं, फिर उसके बाद में गाय के नाम पर ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य की हत्या करवाते हैं, उसके बाद में ये लोग आम जनमानस, जो आम जनता है, उसके जेब में डाका डालने के लिए ये इन लोगों ने पूरी प्लानिंग की है। और इसमें आपने देखा होगा जो 20 महीने की जो सरकार में जो किसान है, सबसे ज्यादा किसान परेशान रहा है, आप देखिएगा रातों रात किसान फसल बचाने के लिए अपने सड़क की मेड़ पे रात गुजार रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि सरकार एक साल तक गायों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं उन्होंने किया, उसके लिए ना ही कोई बजट। अब जब 20 महीने
सरकार को हो गए, अब चुनाव आ रहा है तो इस प्रकार का ये लोग प्रायोजित कार्यक्रम फिर लेकर के आए हैं। अगर मेरा मानना है, अगर गाय की आपको इतनी चिंता थी तो आपको पहले क्यों नहीं गाय को प्राथमिकता दी आपने? जी बिल्कुल। आपने 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 अभी तक कितने गौशाला बनाए ये भी तो स्पष्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल सचिन जी, हमारे साथ इस फोन लाइन पर राम सूरत मौर्य जी भी जुड़ चुके हैं जो सांसद प्रतिनिधि हैं। राम सूरत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। राम सूरत जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे है कि गौ वंश की तो आपने रक्षा की है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन उनकी रक्षा करने के बाद उनको सड़क पर छोड़ दिया, 19 महीने से गौ वंश सड़क पर है, किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, और अब जाके मोदी सरकार जागी, योगी सरकार जागी है कि 10 जनवरी की डेडलाइन अब दी है, 19 महीने से क्या कर रहे थे आप लोग? देखिए उमंग जी, जी ऐसा है, जी राम सूरत जी उमंग जी ऐसा है, हेलो जी, हाँ सुन रहे हैं राम सूरत जी, बोलिए। उमंग जी ऐसा है जी कि निश्चित तौर पर हम जो है गोवंश की, हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए राम सूरत जी। राम सूरत जी मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप इस समय टीवी आपके घर में चल रहा है तो उसकी आवाज आप धीमे कर दीजिए। हाँ ठीक 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 बात है। मैं कह रहा था जी कि आप जो है जो आपके पास लोग बैठे हैं जी वो जो चाहते हैं जी, हम राजनीति जो है वोट की राजनीति नहीं करते हैं जी, हमारी पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती है जी, हम ये मानते हैं कि गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है जी, और निश्चित तौर पर जिन लोगों ने हमारे ऊपर ये आरोप लगाने का काम किया है जी कि हम जो है गाय का चुनाव के समय में इस्तेमाल करते हैं वो गलत बात है जी। राम सूरत जी आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहा है, गाय आपकी ही नहीं, गाय पूरे भारतवर्ष की माता है, हम इसको मानते हैं, लेकिन क्या हम हमारी माता को सड़क पर छोड़ देंगे? क्या हम हमारी माता को हम किसानों की खेती बर्बाद करने देंगे? अगर गाय हमारी माता है तो हम उसको अपने घर में क्यों नहीं रखते? हम सबसे पहले उस अपनी माता को घर में क्यों नहीं जगह दे रहे हैं, उसको सड़क पे क्यों छोड़ दे रहे हैं? अरे कहीं जगह नहीं देंगे। उमंग जी निश्चित तौर पर आपकी बात ठीक है जी, लेकिन आप ये समझिए कि हम जो है वो ये चाहते हैं कि हम उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार व्यवस्था कर रही है और निश्चित तौर पर हम उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ रूप देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिया है और नगर पालिकाओं में स्लॉटर हाउस की भी व्यवस्था है, वहाँ भी स्थिति ठीक है। जो किसानों की बात हो रही है निश्चित तौर पर समाज के सभी लोगों की जिम्मेवारी है, हम सारे लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, गाय और गोवंश की सुरक्षा को करने के लिए हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। हम किसान को देवता, कृषि को मंत्र और गांव को तीर्थ स्थल मानते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं, किसान तो हमारे लिए देवता है, कृषि मंत्र है, गांव तीर्थ स्थल है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, लेकिन समग्र जिम्मेवारी निश्चित तौर पर हम सब लोगों की, और सारे लोग निंदा करने के बजाय इस चीज की व्यवस्था में लगे कि गाय और गोवंश जो भी है वो सड़कों पर ना घूमने पाए। सरकार को अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने का काम कर ही रही है। राम सूरत जी सब लोग अपनी जिम्मेदारी तो समझ लेंगे कि, लेकिन जिस प्रकार से गोवंश की रक्षा करने के पीछे जो दुर्दांत जो घटनाएं वहां पर हुई है उत्तर प्रदेश में, उनका जिम्मेदार कौन है जी? हेलो राम सूरत जी, मेरा आपसे सवाल है, गौवंश की रक्षा करने के पीछे जो दुर्घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार से लिंचिंग वहां पर हुई है उत्तर प्रदेश में, उसका कौन जिम्मेदार है? नहीं निश्चित तौर पर ये बात तो जो थोड़े वो बोलेंगे, हेलो नहीं नहीं क्यों नहीं बोलेंगे, ऐसी बात नहीं बोलेंगे है। आप क्यों नहीं आपके बोलेंगे? राज में जेल के अंदर कोई व्यक्ति मार दिया जाता है, आपके राज में भीड़ दौड़ा करके बजरंग दल और तमाम आतंकवादी टाइप के संगठन जो बने हैं जो आदमी को दौड़ा के मार देते हैं, पुलिस को मार देते हैं, आप क्या बोलेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, निश्चित तौर आपके वरिष्ठ नेताओं के घर का कोई मरेगा तब पता चलेगा ना।
जी अनूप जी, जी राम सूरज जी, राम सूरज जी, अनूप अनूप जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है पूर्वांचल पीपल्स पार्टी के, वो आपसे सीधा सवाल कर रहे हैं। जी अनूप जी पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार जब आती है तो जो घोषणा करती है उसको देखती है कि धरती पर भी ये उतर रहा है कि नहीं। मैं सकारात्मक पहलू ये कहना चाहता हूँ, अगर वास्तव में ये गोवंश की रक्षा करना चाहते, वास्तव में गाय की रक्षा करना चाहते हैं, हर जिले में इतनी बड़ी बड़ी जेल है, तमाम जमीनें खाली हैं, अगर एक विभाग बना देते जिले में जो गाय माता को ले आकर के वहां सेवा करता जी। और वहां पर व्यवस्था बन जाती, तो इसके बजाय किसी को मार देना, दौड़ा करके पीट देना, इंस्पेक्टर की हत्या कर देना जी, अनूप जी, जी राम सूरज जी, राम सूरज जी अनूप जी का जवाब दीजिए, राम सूरज जी अनूप जी का जवाब दीजिए। मैं ही गाय की रक्षा करता हूँ राम सूरज जी, खाली है जिले जिले में। आप भाई साहब ठीक बात कर रहे हैं, बात में आपके ठीक बात है, अनूप जी, अनूप जी राम सूरज जी को, राम सूरज जी को आपका जवाब देनी थी जी। राम सूरज जी, अनूप जी मेरी बात को आप सुनिए, आप जो कह रहे हैं बात को मैं मानता हूँ, लेकिन मतलब ये नहीं है कि जो भी हत्याएं हो रही हैं या जो भी उसमें कहीं सरकार दोषी है, निश्चित तौर पर सरकार किसी प्रकार की दोषी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो है इस पर कड़ाई से निर्णय ले रहे हैं, चाहे जो भी हो, किसी को कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं है हमारी सरकार में, योगी जी की सरकार में। और उमंग जी, हमारा एक सवाल है राम सूरज जी, जी जी पूछिए। राम सूरज जी ये बताइए, बुलंदशहर की जो घटना हुई जिसमें सुबोध जी की हत्या हुई, उसमें आपके जो सहयोगी, जो आपका हमेशा सहयोग करते हैं बजरंग दल और हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने जो उनकी हत्या की, कहीं ना कहीं आपका चेहरा उजागर हो गया है, अभी तक योगेश राज को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई आपकी सरकार, इसका भी तो जवाब दे दीजिए, बताइए राम सूरज जी, बताइए इसका जवाब दीजिए। अनूप जी, ये सचिन रावत जी का सवाल था राम सूरज जी, सचिन रावत जी का सवाल था जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। अच्छा सचिन, देखिए ऐसा है कि निश्चित तौर पे आपका जो बात है वो तैयार तो है, गलत रूप से आरोप आप लगा रहे हैं, गलत रूप है, बजरंग दल के लोग थे, हिंदू युवा वाणी के रूप से उन्होंने हत्या की है, छुट्टी हो चुकी है, वो अभी फरार नहीं है। मंत्री जी वहाँ आरोप गलत नहीं है, आरोप सही है, कानून के साथ कोई भी व्यक्ति हो उसे, अरे मुख्यमंत्री जी को कुछ पता नहीं, मुख्यमंत्री जी तो पहले साजिश बता रहे थे, उसके बाद में कह रहे थे दुर्घटना है, मुख्यमंत्री जी खुद ही भी मुख्यमंत्री जी के बयान में विरोधाभास है। मेरा सभी मेहमानों से मेरा ये कहना है कि एक एक करके बोलिए, वरना किसी को किसी की बात समझ में नहीं आएगी। कोई भी मृतकों के आश्रितों को अपने बंगले में बुला करके कानून के साथ खिलवाड़ करने का उसको छूट नहीं है, हम अपना और पराया देख के राजनीति नहीं करते हैं, वोट की राजनीति नहीं करते हैं, बिल्कुल हम सभी मेहमानों से मेरा कहना है कि हम हमारे मुद्दे से भटक रहे हैं। राम सूरज जी, अनूप जी, अभिषेक जी और सचिन जी, हमारा मुद्दा यह है कि गौ वंश की वजह से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, किसानों की फसल का जो नुकसान हो रहा है, उस बारे में योगी सरकार इतनी देर से क्यों जागी, और अगर अब जागी है तो 10 दिन या 7 दिन में आपको क्या लगता है जो काम आप 19 महीने में नहीं कर पाए वो 7 दिन या 10 दिन में कर लेंगे? राम सूरज जी आपसे ये सवाल है। नहीं, सरकार ने निर्णय लिया है निश्चित तौर पर, मैं उमंग जी आपको बताऊं कि निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, हम काम उस दिशा में पहले से भी कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी उस दिशा में पहले से भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने यू कह दिया है। राम सूरज जी बिल्कुल कर रहे होंगे, आप कह रहे हैं तो बिल्कुल कर रहे होंगे, लेकिन कब से वो काम कर रहे हैं, और अगर वो काम कर रहे हैं पहले से, निश्चित तौर पर अगर वो पहले से काम कर रहे हैं तो वो दिख क्यों नहीं रहा है, दुर्घटना क्यों हो रही है, फसलों का नुकसान क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। राम सूरज जी मैं आपको एक बात बता दूं कि किसानों को नाराज करके भाजपा ने 3 राज्य अपने हाथ से निकाल दिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि किसानों को नाराज ना करें, और अगर किसानों की फसल का नुकसान हो रहा है तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ जी, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है जी, जो है हम किसान को देवता मानते हैं और कृषि को मंत्र मानते हैं, गांव को तीर्थ स्थल मानते हैं, और हमारी सरकार इन तीनों
विकास के लिए काम कर रही है, और जो गोवंश की चर्चा आप कर रहे हैं, गोवंश की बात कर रहे हैं, हम उसकी व्यवस्था को बना रहे हैं। अभी 19 महीने हमारी को हुआ है, हमने उस दिशा में कदम पहले तो उठाना शुरू कर दिया है, और हमारे जनपद में तो निश्चित तौर पर हमारे सांसद डॉक्टर हरिओम पांडे तमाम प्रकार का इस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं, और जो गौशालाएं हैं उसमें व्यक्तिगत रूप से इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। चलिए राम सूरज जी, ये तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले 10 जनवरी का जो अल्टीमेटम योगी जी ने दिया है अपने सभी मंत्रियों को, अधिकारियों को, वो कितना मूर्त रूप ले पाता है और इसकी वजह से कितनी दुर्घटनाएं रुकती हैं और किसानों को इससे क्या फायदा मिलता है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे साथ जुड़े हुए तमाम मेहमानों का हमारी तरफ से बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद कि आप हमारी इस बड़ी बहस में जुड़े। बहरहाल हमारा अब यही मानना है इस बहस में कि गौवंश को संरक्षित करने के नाम पर ना तो राजनीति होनी चाहिए, ना ही किसी की बेवजह हत्या होनी चाहिए, और ना ही गौवंश की वजह से कोई दुर्घटना या फसलों का नुकसान होना चाहिए। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि 10 जनवरी का जो योगी सरकार का आदेश है गौशालाएं बनाने का, गौवंश को संरक्षित रखने का, वो कितना मूर्त रूप ले पाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।